आज हम सिडलो कल्लू पहाड़ पे जा रहे हैं। यह पहाड़ आके रामनगर में है। बेंगलोर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए देख के आते हैं। अब बेंगलोर मैसूर हाईवे से आ रहे हैं तो रामनगर एग्जिट ले लीजिए। वहाँ से रामनगर एंटर करते पहले एक सर्कल मिलेगा जो हनुमान जी का स्टैचू है। वो सर्कल के आगे एक और सर्कल आएगा। वो सर्कल पे लेफ्ट साइड जाना है। देखिए यहाँ पे आपको एक लेफ्ट लेना है। ये रोड रेलवे स्टेशन पर जाता है। ये रामनगर रेलवे स्टेशन का रास्ता है। ये रास्ते में जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ दूर के बाद एक अंडर पास आएगा। वो अंडर पास के अंदर से जाना है। ये देखिए अंडर पास आया। यहाँ से जाए तो वो पहाड़ के ओर जाता है। ये रास्ता कुनागल हिल तक जाता है। वो ये सिडलो कल्लू पहाड़ हमको मिलता है, पहले ही मिलता है। एक बेस्कॉम का एक सब स्टेशन आएगा। देखिए आ गया। यहाँ पे एक लेफ्ट लेना है। सो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर वो पहाड़ मिलता है। नीचे दिख रहा है, देखिए दूर पे जो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे जाना है। रास्ता कुछ ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा मड रोड है। तो पहाड़ के स्टार्टिंग पॉइंट तक आप 2-व्हीलर ले जा सकते हैं। 4-व्हीलर में आए तो कुछ दूर पहले ही आपको कहीं पार्किंग करके चल के जाना पड़ेगा। देखिए वो पहाड़ वहाँ पे दिख रहा है ना। यहाँ से रास्ता कुछ ऑफ रोडिंग है। देखिए रास्ता ऐसे है, बहुत नैरो रास्ता है। देखिए यहाँ पे कितना बकरी का भीड़ आ रहा है। रास्ता छोटा है और मड रोड है। कुछ दूर तक आप 4-व्हीलर ले जा सकते हैं, लेकिन और आगे के लिए खाली 2-व्हीलर जा सकते हैं। जब हम पहुँचे तो बारिश शुरू हो गया। कुछ 5 बजने का आया शाम का। ओ देखिए वो पहाड़। पहाड़ के पास है, हम स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं। और ये रास्ता जहाँ तक जाएगा वहाँ तक गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन यही पे स्टार्टिंग पॉइंट है। और आगे रास्ता था तो हम गए वहाँ पे, कुछ रास्ता होगा करके।
गूगल माँ भी चिल्ला रही थी, यू टर्न ले लो यू टर्न ले लो, लेकिन फिर भी गए वहाँ पर रास्ता ही करके, लेकिन यहाँ पर रास्ता नहीं है। वो वापस यू टर्न लेके वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से पार्क करके पहाड़ चढ़ सकते हैं। ऊपर तो चढ़ने का एक रास्ता नहीं, काफ़ी रास्ता है। जहाँ पे इजी लगा है वहीं से चढ़िएगा। यह रास्ता मुझे ठीक लगा तो यहाँ से चढ़ना शुरू किया। अभी भी बारिश आ रहा है। देखिए पूरा चट्टान सब भीग गया है, थोड़ा संभाल के जा रहे हैं। फिसलने का चांसेस बहुत है, आप वो भी बारिश में चढ़ रहा है, वो थोड़ा संभाल के चढ़ रहा है। वो देखिए वहाँ पे भी रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा स्टीप है। यहाँ से आराम से चढ़ सकते हैं। और वो बादल देखिए अभी भी छाए हुए हैं। हम पहुँचे दो लोग और आए थे, वो लोग आके वापस जा रहे थे। तो वो दो जन चढ़ के हम दो चढ़ रहे हैं अभी। ये थोड़ा लेसर नोन प्लेस है, तो ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं अब। आप लोग भी आइए तो ग्रुप में आइएगा। जगह काफ़ी अच्छी है, ये देखिए थोड़ा चढ़े है तो कितना अच्छा सा व्यू मिल रहा है। दूर रामनगर दिख रहा है, रामनगर ये रेलवे स्टेशन का आसपास का एरिया यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पहाड़ सिडले कल्लो पहाड़ है, सिडले कल्लो भी बोलते हैं। दूर पे देखिए वो बादल छाए हुए हैं, वहाँ पे बारिश आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा बारिश रुका है,
यहाँ पे सिडलु कल्लु पहाड़ है, इसके बगल में एक और पहाड़ है, वो देखिए वो पहाड़, उसको करड़ी कल्लु पहाड़ बोलते हैं। वो पहाड़ पे ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो पहाड़ जानते होंगे, लेकिन इसका बगल में ये सिडलु कल्लु पहाड़ को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। हम आए एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी वीडियोस सर्च किया इसके बारे में, ज़्यादा मिला नहीं है। और जगह देखिए, चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है, देखिए वो वहाँ तक जाना है। कुछ 5-6 पहाड़ देखने को मिला, और दूर का भी कुछ पहाड़े दिख रहा है। और जगह भी काफी सीनिक प्लेस है, एक दो घंटा आराम से बिता सकते हैं यहाँ पे। ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए, पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। साढ़े 5 बज चुका है, पहाड़ चढ़ के आते हैं। बारिश भी थोड़ा रुका है यहाँ पे, वो साइड पे अभी भी बारिश आ रहा है। और थोड़ा और राइट गया है, देखिए यहाँ से इतना व्यू मिल रहा है। यहाँ से रामनगर का कुछ और घर देखने को मिल रहा है, और थोड़ा ऊपर आया है तो यहाँ का नज़ारा देखिए। चट्टाने सब भीग गए हैं, तो संभाल के चल रहे हैं।
यहाँ तक रास्ता साफ है, लेकिन और ऊपर चढ़े तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वापस आते वक्त पता नहीं चलता कहाँ पे चढ़े थे करके। तो जाते वक्त ही आप मार्क करके जाइएगा। ये करड़ी कल का पहाड़ है, वहाँ पे कुछ गुफाएं दिख रहा है। करड़ी यानी बालू, कनाडा में बालू को करड़ी बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बालू होंगे, इसलिए पहाड़ का नाम आया करड़ी कल्लू पहाड़। देखिए अभी पीक के पास आए हैं। ये यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट जैसा दिख रहा है और हवा भी जोर से आ रहा है, फिर से बारिश स्टार्ट हुआ है। तो ये जगह से वापस जाते वक्त हम कंफ्यूज हो गए, तो ये रास्ते पकड़ के वहाँ तक गए थे, तो करड़ी कलो का फुट तक गए। वहाँ से रास्ता दिखा नहीं है, तो वापस चढ़ के आके यहीं पे आके वापस सही दिशा पे जा रहे हैं। अब शाम भी हो गया, 6:30 बजने का आया और ऊपर चढ़ सकते थे, लेकिन रिस्क नहीं लिया, वापस जा रहे हैं। देखिए बारिश भी शुरू हो गया। सनसेट देखने के लिए अच्छी जगह है। उत्तर है, उत्तर के आगे है। तो आज का ट्रिप यहीं पे खत्म करते हैं। ओवरऑल एक अच्छी जगह है, आप लोग भी आइए, लेकिन ग्रुप में आइएगा, ज्यादा लोग नहीं रहते यहाँ पे। सेफर साइड पे ग्रुप में आइएगा, जगह अच्छी है। आज का वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।